नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों द्वारा की गई ज्यादती के कारण हुई युवती की मौत पर आक्रोश हर तरफ है। नगर में किरार सेना गोसेवकों युवाओं ने शाम को शासकीय महाविद्यालय परिसर में कैंडल मार्च निकाला और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर किरार सेना के शुभम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भारत की बेटी से कुछ दरिंदों ने ज्यादती का रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। हादसे का शिकार हुई बहन ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जो इस अपराध के दोषियों को कठोरतम सजा मिले, जिससे सभ्य समाज में बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस मौके पर किरार सेना के शुभम यादव, गोसेवक आयुष पालीवाल, सौरभ यादव, राज शर्मा, अनुज यादव, रोहित राणा रहे। भीतरवास से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। फोटो और खींच दिया।